हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रेजोल्यूशन हम लेंगे और इनको देने होंगे, अब इनकी हुकूमतों का खात्मा होगा। आज मुत्तफाका तौर पे फैसला किया है 17 तारीख से इनके खात्मे के लिए हम एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। साने मॉडल टाउन पर वजीर आला पंजाब और राणा सनाउल्ला के इस्तीफे ना आए, ताहिर अल कादरी जलाल में आ गए। 17 जनवरी से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। एहतजाज का तरीकाकार 11 जनवरी को एपीसी एक्शन कमेटी इजलास में तय होगा। तमाम उमूर को आगे बढ़ाने के लिए आज एक एक्शन कमेटी कायम कर दी गई। एक्शन कमेटी का पहला इजलास इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को। कादरी ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया, 7-8 के अलावा कोई भी रुकन वक्त पर नहीं आया। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच इजलास खत्म होने से आधा घंटा पहले पहुंचे। ताहिरुल कादरी का ओपोजिशन जमातों के रवैये पर इजहार अफसोस, लेकिन किसी भी किस्म के इख्तलाफ की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ के खौफ ने मुखालफीन को कादरी के खोटे से बांध दिया। जमहूरियत के नाम लेवाओं को जमहूरियत के गोरकन से इत्तेहाद मुबारक। मरियम नवाज का ट्विटर पर रद्द अमल। आबिद शेर अली कहते हैं ताहिरुल कादरी की सियासत अवाम ने मुस्तरद कर दी। टीवी पे हमला किया, जो कब्रें खोदी गई तो कौम इस तरह भूलती नहीं है। कादरी साहब एक अपना काउंसलर तो जुटा नहीं सकते, तो लिहाजा उनके इंतशार और उनकी ये धकियानूसी नहीं चलेगी। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते। जब ये भी ये फैसला किया गया, ना पाकिस्तान के अवाम ने कबूल किया ना तारीख ने कबूल। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, ये फैसले भी तारीख की रद्दी की टोकरी में जाएंगे। अदालती फैसले तारीख की रद्दी की टोकरी में जाएंगे। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान नून लीग की इनिंग्स को सहारा देने फ्रंट फुट पर आ गए। नवाज शरीफ को अपना वजीर आजम करार दे दिया। हमारा वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। सनाउल्ला ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल आ रही है। वजीर आजम शाहिद खाकान आज क्वेटा पहुंच गए, गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात। मामलात इफहाम व तफहीम से हल करने की ख्वाहिश का इजहार। जमहूरी तसलसल के लिए बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को लाजमी करार दे दिया। 17 साल से धमाके हो रहे हैं, हुकूमत सो रही है। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खोसा के रिमार्क्स। बलोचिस्तान हुकूमत को दहशत गर्दी के खात्मे में गैर संजीदा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सालेहा क्वेटा अस्खुद नोटिस केस निमटा दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर और आपके जज्बे को देखकर कि इंशाल्लाह सुल्तान हैदर कल कामयाब होगा। नवाज शरीफ ताजियती रेफरेंस के लिए चकवाल आए, लेकिन जब तकरीर शुरू की तो दिल का गुबार निकाले बिना ना रह पाए। इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए चकवाल में कल होने वाले जिमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार की कामयाबी की पेशगोई भी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अल्लाह का फजल है, हमारे दुश्मनों के कदम उखड़ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कदम जो है मजीद मजबूत हुए। नून लीग के कदम जम गए, दुश्मनों के कदम उखड़ गए। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में लीगी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने की साजिश का इंकिशाफ। 4.5 साल हो गए हैं, 4.5 साल इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इस मुल्क में अफरा तफरी।
से इंतशार का एजेंडा जो है ये नाफिज करने के ऊपर तुला हुआ है और मकसद सिर्फ ये है कि जी ये मुल्क जो है ये तरक्की ना करे। नून लीग हुकूमत ने पूरे मुल्क में एनजीओज और चैरिटीज के खिलाफ सख्त इकदाम किए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। पंजाब और केपी हुकूमतों पर तनकीद, एनजीओस के खिलाफ कार्रवाई पर विफाक को भी निशाना बनाया। शेख रशीद ने 2018 को नवाज शरीफ की सियासत के खात्मे का साल करार दे दिया। नवाज शरीफ और उसकी बाकियात के खात्मे का साल है 2018 और फरवरी में इंशाअल्लाह ताला इनका खात्मा। वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्ला जहरी के सेक्रेटरी अयूब कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया। आज न्यूज के एंकर पर्सन राना मुबशर का करप्शन के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। अयूब कुरैशी पर करप्शन और पैसा सनाउल्ला जहरी को मुंतकिल करने का इल्जाम है। ट्रंप की धमकियों के बाद पाकिस्तान और अमेरिका पहली बार आमने सामने आ गए। नेक्टर टीम अमेरिकी टास्क फोर्स की दावत पर वॉशिंगटन में मौजूद। चार रोजा मुज़ाकरात का आगाज हो गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। सहाबी रूहानियत की तलाश में वहां पे गए लेकिन वहां पे जाके शैतानियत गालिब कर दी। लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए कि एक आदमी जो है वो एक रूहानियत वाले घर रूहानियत हासिल करने के लिए जाता है लेकिन अपने अंदर की शैतानियत जो है वहाँ पे जाके नाफिज कर देता है। नून लीग के राना सनाउल्ला का सख्त नाराजगी का इजहार। इमरान खान की तीसरी शादी लम्हा फिक्रिया करार। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह कहते हैं पहले पीर मुर्शिद से शादी का इजहार करते थे, खान साहब ने तो अपनी पीर ही को प्रपोज कर दिया। वैसे तो सुना था जो पीर है वो को मुरीदनियों से शादी करते हैं लेकिन ये पहला देखा है जो पीरनी से शादी कर रहा है, तो अच्छी बात है। ये तब्दीली है और यही तब्दीली है, बाकी वो तब्दीली ला सके या नहीं ला सके केपी में या दूसरी जगह पे लेकिन ये बड़ी तब्दीली ले आए हैं। काम की थकन या वक्त के सितम, सखर में सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब में निसार खोड़ो को नींद के झोंके आते रहे लेकिन फिर भी वक्फे वक्फे से तालियां बजाने की रस्म निभाते रहे। नून लीग के जईम कादरी पर हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे का इल्जाम। नैब का तहकीकात के आगाज का ऐलान। रेलवे इंजन की खरीदारी में कुर्द बोर्ड पर साबिक चेयरमैन रेलवे आरिफ अजीम के खिलाफ भी खाता खुल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कलदम तंजीम तहरीक नफाजे शरीयत मोहम्मदी के सरबरा मौलाना सूफी मोहम्मद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सूफी मोहम्मद को 2010 में स्वात ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कराची में पुलिस नाकाम, लुटेरे बेलगाम। नाजिमाबाद में बैंक लूटा, सदर में दुकान लूट गई। डाकू मजाहमत पर दुकानदार को भी गोली मार गए। ताजिरों का एहतजाज, स्ट्रीट क्राइम का शिकार पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध असेंबली में तहरीके इल्तवा जमा करा दी। गोजावाला में नशई ने सरेआम बंदूक उठाई और आसमान सर पर उठा लिया लेकिन पुलिस को खबर तक ना हुई। मसरूफ तरीन शारा पर सरेआम फायरिंग, इलाके में खौफ व हिरास। गुजरावाला में बीमार मां के लिए बेटे ने व्हीलचेयर मांगी, वार्ड बॉय ने शनाख्ती कार्ड मांग लिया। डीएचक्यू अस्पताल मैदान जंग बन गया, मुक्कों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल।
इंतजामिया ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा बेकाबू, एक और मुतासर खातून दम तोड़ गई। हलाकतों की तादाद 17 तक जा पहुंची। 142 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज। क्या भारत जंग की तैयारी कर रहा है? कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर 14,000 बंकर्स तामीर करने का ऐलान। भारतीय हुकूमत ने मंसूबे के लिए 41,57 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर की कारोबारी सरगर्मियों का मरकज, ट्रंप टावर शोलों की लपेट में, दो अफराद झुलस गए। एरिक ट्रंप ने आग शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दे दी। दुनिया भर में सर्दी खून जमा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को गर्मी सता रही है। सिडनी में बला की गर्मी, दर्जे हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं ताहिर अल कादरी से, जिनकी सदारत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का अहम फैसला कर लिया गया। दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद न होने के खिलाफ 17 जनवरी से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। आपको ये भी बताएं कि सरबरा आवामी तहरीक ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अब बात शहबाज शरीफ और राना सना के इस्तीफों तक महदूद नहीं रही, तहरीक पूरी मुस्लिम लीग नून का खात्मा करके खत्म होगी। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि तहफ्फुज़े खत्म नबूवत के कानून में तब्दीली में मुलव्वस पसे पर्दा अफराद को भी बेनकाब किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एहतजाजी तहरीक की निगरानी के लिए एक्शन कमेटी भी कायम कर दी गई है और कमेटी का इजलास 11 जनवरी को होगा। 17 तारीख इनके खात्मे के लिए हम एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये बात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब या उनकी कैबिनेट तक नहीं, ये पूरी नून लीग का खात्मा होगा। इनकी जुल्म की सल्तनत का खात्मा करना है, लूट मार की सल्तनत का खात्मा करना है, इनकी करप्शन की सल्तनत का खात्मा करना है, इंसानियत दुश्मन सल्तनत का खात्मा करना है। खत्म नबूवत पर डाका जनी की है और उसको बदल कर आज के दिन तक असल चेहरे खत्म नबूवत के कानून को बदलने वाले, उसकी साजिश करने वाले पसे पर्दा छुपे बैठे हैं, वो भी बेनकाब होंगे। उसकी निगरानी के लिए, उनके तमाम उमूर को आगे बढ़ाने के लिए आज एक एक्शन कमेटी कायम कर दी गई। एक्शन कमेटी का पहला इजलास इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को। नाज़रीन, ताहिर अल कादरी ने एहतजाज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस इजलास में ओपोजिशन की ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी, क्योंकि 7 में से 8 अराकीन के सिवा कोई भी वक्त पर नहीं पहुंच सका। जैसे तैसे इजलास शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, लेकिन कुछ अरकान गैर हाजिर रहे। जैसे तैसे स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तो हो गया, लेकिन ताहिर अल कादरी खासे अफसरदा दिखाई दिए। 30 दिसंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की बनने वाली स्टीयरिंग कमेटी में 18 अरकान शामिल थे, लेकिन आज के इजलास में 7 से 8 अरकान के अलावा कोई भी वक्त पर ना पहुंच सका। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच इजलास खत्म होने से आधा घंटा पहले तशरीफ लाए, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एहसान शाह और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक गैर हाजिर रहे। ताहिर अल कादरी ने अपोजिशन जमातों के रवैये पर अफसोस का इजहार किया, कहा 30 दिसंबर को होने वाले फैसलों पर तमाम जमातों ने सरदमहरी का मुजाहरा किया। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफों से मुतल्लिक किसी असेंबली में करारदाद जमा नहीं कराई, न ही किसी ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। ताहिर अल कादरी की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तो हो गया, लेकिन अब सवाल यह है कि 17 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का हिस्सा कौन बनेगा, क्योंकि एहतजाज से कबल ही अरकान को अखराजात की फिक्र होने लगी है। आज न्यूज इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। आपको बताएं कि शेख रशीद तो हुकूमत के खिलाफ फौरी तहरीक शुरू करने और असेंबलियों से इस्तीफे देने का इसरार करते रहे, लेकिन जब उन्हें अराकीन ने बावर कराया कि जल्द तहरीक शुरू की गई तो खर्चा कौन उठाएगा, इस पर सब खामोश हो गए और ताहिर अल कादरी बोल पड़े कि सर्दी में कारकुनों को मारना नहीं चाहते। कहा कि शेख साहब, बंदूक में एक ही गोली है, हवाई फायर करके जाया नहीं करेंगे, गोली को निशाने पर लगाना चाहते हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से बात करेंगे। कमर, बताइएगा अंदर की कहानी क्या है, क्या गुफ्तगू हुई मजीद इन तमाम रहनुमाओं के दरमियान?
जी स्टेयरिंग कमेटी में काफी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के साथ साथ दिलचस्प मुकालमों का भी तबादला होता रहा। शेख रशीद आज काफी जज्बाती स्टेयरिंग कमेटी में नजर आए और उन्होंने स्टेयरिंग कमेटी का इजलास जो कि 4 बजे शुरू होना था तो ताहरुल कादिर से तकरीबन पहले ही 12 बजे एक अलग मुलाकात की और उनको ये अंदिया दिया कि तमाम सियासी जमातों को इस बात पर मुत्तफिक किया जाए कि जल्द अज जल्द एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। लेकिन ताहरुल कादिर ने उन्हें पहले ही ये कह दिया था कि इतनी जल्दी वो मुकम्मल तौर पर धरने की कॉल नहीं दे सकते, पहले वो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं। और ताहरुल कादिर ने जिस वक्त स्टेयरिंग कमेटी के इजलास में भी शेख रशीद ने अपना मुतालबा दोहराया तो ताहरुल कादिर ने बाकायदा उन्हें ये बावर करवाया कि शेख साहब धरना देने के लिए कारकुनों को लाना, बसों का इंतजाम करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, पहले भी वो धरने में 80 लाख रुपए पर डे खर्च कर चुके हैं तो अब जो धरना दिया जाएगा लॉन्ग टर्म तो उसके लिए इखराजात कहाँ से आएंगे। तो तमाम जो स्टेयरिंग कमेटी में मेंबरान मौजूद थे वो खामोश रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं ने भी ताहरुल कादिर यकीन दिलाया कि वो अपना अपना हिस्सा डालेंगे और इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे। बहरहाल अब 17 तारीख को एक एहतजाज होगा और वो भी एक जलसे की सूरत में, जिसमें भी ये एतराज आया है कि ताहरुल कादिर ने वादे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि उन्होंने इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को भी इस एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। लेकिन अब ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में क्या हुआ आज न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। और नाज़रीन ताहिर अल कादरी के आज के ऐलान पर मरियम नवाज ने कहा कि जमहूरियत के नाम लेवाओं को जमहूरियत के गोरखन से इत्तेहाद मुबारक हो। जो पाकिस्तान का शहरी नहीं आज वो इस कौम का लीडर है। नवाज शरीफ के खौफ ने आज मुखालिफीन को कादरी के खूंटे से बांध दिया। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा कि क्या इस तरह आवाम का रास्ता रोक लोगे। वफाकी हुकूमत को ताहिरुल कादरी के एहतजाज का सामना तो 17 जनवरी से करना होगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत मुश्किल में घिरी हुई है और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर सब पर वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम हैं। उनका कहना था कि अदालती फैसले तारीख की रद्दी की टोकरी में जाएंगे। जुलाई 2018 के इलेक्शन भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन होगा। सियालकोट में वजीर आजम के एक या दो नहीं 3 खिताब। वर्कर्स कन्वेंशन में शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कायद नवाज शरीफ का भरपूर दिफा किया। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते। जब ये फैसला किया गया ना पाकिस्तान के अवाम ने कबूल किया ना तारीख ने कबूल। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं। क्या नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला दिया है और कहा है कि इन्होंने अकामा लिया था और तनख्वाह नहीं ली थी तो ये हम इनको फारिग करते हैं। ये फैसले भी तारीख की रद्दी की टोकरी में जाएंगे। हमारा वज़ीर आज़म आज भी नवाज शरीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। सियालकोट एयरपोर्ट में बैन अल-अक़वामी टर्मिनल के इफ्तिताह के मौके पर मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया। पिछले 4-5 साल में किस तरह मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, हमने उसकी परवाह नहीं की, हम काम करते रहे और आज रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। ऐवान सनअत और तिजारत से खिताब में पाकिस्तान में हुकूमत करने को मुश्किल काम करार दिया, साथ ही घर दुरुस्त करने का बयान भी दाग दिया। धरना हुआ उससे नुकसान सिर्फ मुल्क का हुआ। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जो पिछले 4-5 साल में हुआ किसी मौजे से कम नहीं है। हुकूमत करना कहीं भी आसान नहीं होता और पाकिस्तान में तो ये बहुत मुश्किल काम है। हमें अपने घर के मामलों को दुरुस्त करना है, हमने जंग भी लड़नी है। आज पाकिस्तान टेरर के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, कोई माने या ना माने। नाज़रीन वज़ीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला भी मुल्की सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की जा रही है। फैसलाबाद में मीडिया से बात में उनका कहना था कि तहरीक अदल किसी के खिलाफ नहीं। 4.5 साल हो गए हैं, 4.5 साल इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम, इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में इंतशार का एजेंडा जो है ये नाफिज करने के ऊपर तुला हुआ है और मकसद सिर्फ ये है कि जी ये मुल्क जो है ये तरक्की ना करे।
उधर बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई है और वजीर आला के खिलाफ कल तहरीक अदम एतमाद पेश होने का खतरा सर पर मंडला रहा है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी इस वक्त क्वेटा पहुंच चुके हैं। कल वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर वहां पर पहुंचे थे। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल ऐवान में पेश होगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। मुजीब बताइएगा तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के कितने इम्कान हैं, कितने नंबर चाहिए होंगे इसको कामयाब बनाने के लिए? इसको कामयाब बनाने के लिए 34 का नंबर दरकार होगा और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। साबिक वजीर दाखला सरफराज बुख्ती के ग्रुप का कहना है कि 40 लोग उनके साथ हैं, वो बासानी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज वजीर आला नवाब सनाउल्ला जहरी ने वजीर आजम से मुलाकात के दौरान उन्हें अपने हामी 34 अरकान से मुलाकात कराई है और उनका कहना है कि 34 लोग उनके पास मौजूद थे जब वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई, इसलिए उनको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह सूरत हाल चल रही है उसमें ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त कोई भी अप एंड डाउन हो जाएगा और मुस्लिम लीग के अगर एक दो वज़रा मजीद मुस्तैफी हुए और एंड टाइम पे वोटिंग से कुछ देर कबल वो दूसरे ग्रुप से जा मिले तो बाजी पलट सकती है। अभी सूरत हाल तकरीबन बराबर की है लेकिन क्योंकि कल टेबल होगी ये तहरीक अदम एतमाद और इस पे वोटिंग तवक्को ये की जा रही है कि 13 या 15 तारीख को होगी और इस दौरान जो ये 4-5 दिन का वक्फा होगा इसके दौरान जोर तोड़ अरूज पे होगा। वजीर आजम जो एक रोजा दौरे पे आए थे उन्होंने अपना दौरा एक दिन के लिए बढ़ा लिया है, अब वो कल यहाँ मौजूद रहेंगे। ठीक है, वजीर आला बलूचिस्तान 34 अरकान की हिमायत का दावा करते हैं जबकि सरफराज बुख्ती भी दावा करते हैं कि 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है। मुझे बहुत शुक्रिया आपका। उधर सरबरा बीएनपी मेंगल अख्तर मेंगल ने कहा कि सनाउल्ला जहरी बलूचिस्तान असेंबली में अक्सरियत खो चुके हैं। आज ही उसकी प्रोग्राम फैसला आपका में बात करते हुए वजीर आजम के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक का कहना था कि सूरत हाल बहुत जल्द वाजे हो जाएगी, जबकि आरिफ अलवी ने कहा कि नून लीग अपने लोगों को काबू में नहीं रख पा रही। जो अभी तक जो हमारे सामने जो आ रही है पिक्चर उसमें तो लॉस्ट मेजोरिटी ना सिवाय दो जमातों के जो उसके इत्यादि हैं जिनको खुश रखने के लिए हमेशा उन्होंने अपनी पार्टी अपनी इत्यादियों को नाराज किया हुआ है तो उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। वजीर आजम साहब वहाँ पर गए हुए हैं, जब वो तशरीफ लाएंगे तो कुछ बात क्लियर होगी कि क्या मामला है। ये अपने फेंसेस और अपने लोगों को काबू में भी नहीं रख सके, उनको कॉन्फिडेंस के साथ अपने साथ भी लेकर नहीं चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सिर्फ अपने आप को बचाने के अंदर एक डेढ़ साल से लगी हुई है, चाहे वो नवाज शरीफ का मामला हो चाहे इसहाक डार का मामला हो, टोटल फोकस पाकिस्तान के मामलात पर नहीं है, प्रोविंशियल मामलात पर नहीं है, सिर्फ कुर्सी बचाने के एतबार से। जब कुर्सी बचाना टोटल फोकस हो जाता है तो होता यह है कि फिर लोग इधर उधर जिनके और अपने मसाइल होते हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया तो वो बगावत पर उतर आते हैं। और अभी आपको बताएं पंजाब असेंबली के हलका PP20 चकवाल में जिमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और पोलिंग कल होगी। हलके में नून लीग तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। इंतखाबी सामान भी पहुंचा दिया गया है। नून लीग के उम्मीदवार सुल्तान हैदर, तहरीक इंसाफ के तारिक महमूद और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार कैसर अब्बास होंगे। हलके में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,79,530 है। 227 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं जिसमें मर्दों के लिए 421 और खवातीन के लिए 393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हलके में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। PP20 की नशिस्त 30 अक्टूबर को चौधरी लियाकत अली खान के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। आपको बताएं कि आज नवाज शरीफ भी चकवाल पहुंचे। वो वहां मरहूम चौधरी लियाकत अली की ताजियत के लिए गए थे लेकिन लगे हाथों उन्होंने आवाम से नून लीग की उम्मीदवार को जितवाने के लिए वादा भी ले लिया। साथ ही उन्होंने न सिर्फ अदालती फैसले बल्कि पिछली हुकूमत पर भी जमकर तनकीद की। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर और आपके जज्बे को देखकर कि इंशाल्लाह सुल्तान हैदर कल कामयाब होगा। कहाँ है वो लोग जो इस मुल्क को अंधेरे में गर्क करके चले गए, अवाम को अंधेरों में धकेल दिया जिन्होंने। उनमें डिक्टेटर भी थे और उनमें सियासतदान भी थे और 4 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान से लोड शेडिंग का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो चुका है। अगर आज दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है तो पूछो उस फैसले से। निकालना था निकाल दिया और किसी चीज पे ना सही अकामे पे निकाल दिया।
ये जो अवाम पाकिस्तान की बैठी हुई यहाँ पे चकवाल में ये जानना चाहती है, यार जानना चाहती है, इनको बताओ भाई नवाज शरीफ ने कौन सी करप्शन की है इस मुल्क में। जख्म दर जख्म मत लगाओ, ये जख्म नवाज शरीफ के सीने पर नहीं लगते, ये जख्म पाकिस्तानी कौम के सीने में भी लग रहे हैं। पूछो उस फैसले से जिसकी वजह से महंगाई फिर बढ़ने लगी। जब इस तरह के फैसले आते हैं और एक वजीर आजम को इकामा पे निकाल दिया जाता है तो बोलो फिर खुशहाली आती है या इंतजार आता है। पांच आदमी करोड़ों के मैंडेट को एक मिनट में खत्म करते हैं और आपने इस नाइंसाफी के आगे खड़े होना है। नवाज शरीफ ने चकवाल में खिताब तो कर लिया लेकिन इलेक्शन कमीशन फौरन जाग उठा और इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। इलेक्शन से 48 घंटे पहले इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी जाती है। इसके बाद कोई भी सियासी इज्तिमा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होता है। नवाज शरीफ के खिताब से तहरीके इंसाफ के रहनुमा सीखपा हो गए। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि क्या इलेक्शन कमीशन को लाडले की कानून शिकनी पर एतराज नहीं, इमरान खान कुछ ना भी करें तो नोटिस मौसूल हो जाता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका है और अब तहरीरी शिकायत का जायजा लिया जाएगा जिसके बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी। और अब खबर है शेख रशीद से मुतालिक जिन्होंने फिर नई पेशगोई कर दी। कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन 2018 नवाज शरीफ की सियासत के खात्मे का साल होगा। लाहौर में मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर हम सारे लोग भी घरों में चले जाएं, नवाज शरीफ अल्लाह की पकड़ में आया, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बच सकती। ये महीने सवा महीने की जो ऑक्सीजन टेंट पे लगे लोग हैं, आइंदा 24 घंटे में ही फैसला हो जाएगा। आइंदा 24 घंटे में ही इंशाल्लाह 36 लगा लो जी फैसला हो जाएगा। मैंने कौम को 30 मार्च दी थी, बाद में मैंने कह दिया नहीं ये 23 फरवरी भी नहीं देख सकते। नवाज शरीफ और उसकी बाकियात के खात्मे का साल है 2018 और फरवरी में इंशाल्लाह ताला इनका खात्मा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम को पंजाब की मेट्रो चाहिए या केपीके के दरख चाहिए या मुल्क से गुरबत का खात्मा, इसका फैसला अवाम खुद करें, हम अवाम की ताकत से अगला इलेक्शन जीत लेंगे। अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि वो पंजाब के मेट्रो रखो चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दरख बरख चाहते हैं या गुरबत को खत्म करना चाहते हैं। तारीख गवाह है कि हमने हमेशा अवाम और खास तौर पर औरतों को बाख्तियार बनाने की जुदोजहद की है, गुरबत को खत्म करने की जुदोजहद की है। नून लीग हुकूमत ने पूरे मुल्क में एनजीओज और चैरिटीज के खिलाफ सख्त इकदाम किए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर सरकारी और सामाजिक तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही है।